हम लोग क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 4.3 में पढ़ेंगे पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना। टॉपिक क्या रहेगा मालूम है? एकदम ब्लैक बोर्ड पर देखो आकाश, देखो ये पूर्ण वर्ग बनाकर कैसे हल करना, ये सवाल आपके बोर्ड के एग्जाम में एकदम फिक्स से किया आता है, समझ रहे बात को? तो देखो समीकरण इसी रूप में होगा, ax स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0। तो जो पहला होगा उसको पहला पद, आ जो bx होगा उसको दूसरा पद, आ जो c होगा उसको क्या कहेंगे तीसरा। और सुनो, इसमें जो आप सूत्र यूज करेंगे, सबसे महत्वपूर्ण सूत्र यूज करेंगे, उसका नाम होगा पहला पद बट्टा में दू गुण है, दूसरा पद होता है यहाँ पर दो गुण करणी में पहला पद, आ इन सब का होल इसका। बात समझ गए? इतना याद हुआ आपको? माने हमेशा इसी सूत्र का यूज करेंगे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, इसका प्रयोग करके हम लोग लिखेंगे। और सुनो एक और चीज, ये पहला सूत्र और दूसरा सूत्र, अगर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आपके सवाल में रहेगा और आप इसके जगह पर क्या लिखिएगा बाबू, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो हाई लिखाई बीच वाला छोड़ा जाए, लेकिन यहाँ जो चिन्ह होगा वही चिन्ह यहाँ पर लगाएंगे। तीसरा सूत्र जो यूज करेंगे कि अगर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो, तो इसके जगह पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तथा फार्मूला तो याद करो, याद कर लो, आए को बोलो मत धनंजय बाबू, अरे तो बहुत महत्वपूर्ण यार, है तरह बिना तीन कदम बिना चल पाओगे। दूसरा पद बटा में दो गुण करने में पावर, अच्छा इतना पढ़े ही होंगे ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, हाई तो पढ़े होंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाए। बात समझ में आई? इतना बता देंगे। अब सुनो एक सवाल से मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा एक और चीज़ इसमें जान लीजिएगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो एगो में ए प्लस बी आएगा मैं ए माइनस बी। अच्छा एक और चीज़ तन देखिएगा, अगर चार है, का है चार, तो चार होता है तो आप दो के ऊपर दो लिख सकते हैं ना, और अगर नौ है तो तीन के ऊपर दो दो, और अगर सोलह है तो चार के ऊपर दो लिख सकते हैं। अच्छा एक और चीज़ सुनो तनि, अगर कलनी अगर दो है तो इसको अगर लिखना होगा तो कलनी में दो करके तब स्क्वायर लिखेंगे, दो है तो कलनी में दो करके तब क्या लिखेंगे स्क्वायर, तीन है तो कलनी में तीन करके तब स्क्वायर लिखेंगे, पाँच है तो कलनी में पाँच करके तब स्क्वायर लिखेंगे, छः है तो कलनी में छः करके तब स्क्वायर लिखेंगे। ये सब आपके ट्रिक होता है लिखने के लिए। जैसे चार है तो चार का तो होता है ना, चार का तो दो के ऊपर दो लिख सकते हैं, नौ है तो तीन के ऊपर दो लिख सकते हैं, सोलह है तो चार के ऊपर दो लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ऐसा दिखाई दे जो कि होता ही नहीं तो कलनी में करके लिख सकते हैं। बात समझे? एक छोटा सा सवाल आपके पास आ रहा है, कैसे हल करेंगे? अच्छा तनिए एक और इसमें नियम में लिख लेना, नियम है कि पहला पद हमेशा केवल एक्स स्क्वायर होना चाहिए। यदि एक्स स्क्वायर के साथ कोई अंक जुड़ा हो तो उस अंक को हटाने के लिए उसी अंक से सब में भाग देते हैं। थोड़ा सा आप इसको नोट कर लीजिए, तब आपको समझा रहे हैं कि यदि प्रश्न में तीन पद हैं तो तीसरा पद को हमेशा क्या करते हैं, हटा देते हैं, और उसके जगह पर या उसके स्थान पर जोड़ने वाला पद, ये ट्रिक है सब, ठीक है ना, जोड़ने वाला पद लिख देते हैं, पद लिख देते हैं। आप पुनः ए प्लस बी के होल स्क्वायर या ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर रख देते हैं।
जल्दी से लिखो। यदि प्रश्न में तीन पद होंगे तो तीसरा पद को हमेशा हटा देते हैं और इसके स्थान पर जोड़ने वाला पद को लिख देते हैं। पुनः ए प्लस बी का होल स्क्वायर यही माइनस बी स्क्वायर पर हम लोग इसको रख देते हैं। ठीक है, रबर नोट कर लीजिए बाबू, याद भी हो गया का बाबू। जितना माने आपको ये रूल लिखाया गया है इसी रूल से आप सवाल को लगाएंगे। हो गया लिख लीजिए। एक सवाल हमारे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस चार एक्स, आपकी किताब में पूरा सवाल दिया गया। ठीक है, तो कौन कौन पढ़ना है देखो, पृष्ठ संख्या निकाल लो 87। पृष्ठ संख्या किसके पास? 87 के पास। देखो 87 में ऊपर एक सवाल दिया गया होगा एक्स स्क्वायर प्लस चार एक्स। देखिए एक कलम दो तो एक, तो जहाँ एक्स स्क्वायर प्लस चार एक्स है उसको टिक लगा लो, उसको हल करना है। मिला है? जी। मिला। और एक्स स्क्वायर प्लस चार एक्स इसको पूर्ण वर्ग बना करके हल करना है। ठीक है, नीचे आ जाओ, एक सवाल आपका है, चलो चलो ये वाला आपका है कि एक्स स्क्वायर प्लस चार एक्स माइनस पाँच, देख रहे हैं इस प्रकार नीचे लिखा है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस चार एक्स माइनस पाँच देखो मिल जाएगा। हाँ मिल गया, इसको हल करना है। दो सवालें हुई, नीचे आओ, आ जाओ नीचे। अब समीकरण लिखा होगा तीन एक्स स्क्वायर माइनस पाँच एक्स प्लस दो, देख रहे हो, इसको भी पूर्ण वर्ग बना करके हल करना है। ठीक है, चलो और इधर पलटो, और ठीक है आ जाओ प्रश्न संख्या 89 के पास। 89 के पास उदाहरण नंबर 7 हल करना है। ठीक है, नीचे लिखा है, अंडरलाइन कर लीजिएगा कलम से, 2x² - 5x - 3 + 3 है, हो गया। चलिए आ जाइए अब 90 नंबर पर उदाहरण नंबर 8 है, 5x² - 6x - 2 इसको पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना है। देख लिए उदाहरण नंबर 9 पृष्ठ संख्या 91 पर आ जाइए, इसको हल करना है 4x² + 3x + 5। पलटो इधर, चलिए अब तो पहले तो बस अब रहने दीजिए, इतना ही सवाल है और मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, और आपको बता देते हैं कि 4.3 में यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें पूर्ण वर्ग। अच्छा एक चीज़ और छूट गया है, कहीं सबसे पहले इसको लिखना चाहिए था, क्या चीज़ हम मिटाते, सब लिख दिए हो ना, तो कहीं एक और हेडिंग बना लेना, मूलों का अस्तित्व। मूलों का अस्तित्व हमारे सवाल में सबसे पहले यही जांच करेंगे। ठीक है ना, मूलों का अस्तित्व, सुनो कहानी मूलों का अस्तित्व में। b² - 4ac से हम लोग ज्ञात करेंगे, किससे? b² - 4ac, अगर इसका मान प्लस में आया, क्या यदि जैसे मान लो d बराबर प्लस में आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, जो भी आ गया, तो मूलों का अस्तित्व है, तो हमारे समझे तो मूलों का अस्तित्व नहीं, खाली हमने के मूलों का अस्तित्व की जरूरत है, तो लिखा जाए मूलों का अस्तित्व अस्तित्व है, ये यूज करेंगे। और एक अभी आप पढ़ रहे थे कि सूत्र जो बहुत इम्पोर्टेंट है, दूसरा पद बटा में दो गुणा करने में पहला पद, दूसरा पद बटा में दो गुणा करने में पहला पद, ये सूत्र यूज करेंगे। ठीक है, तो दूसरा पद बटा में दो गुणा करने में पहला पद आपको ये भी यूज करके दिखाना है। चले बाबू सवाल को हल करें, तो हमारे पास एक उदाहरण आ रहा है, आ जाओ। अब लिखने वाला काम नहीं, केवल समझने वाला। उदाहरण मान लो कि कुछ भी हो, एक उदाहरण ले लेते हैं, एक नंबर आपके किताब में से। ठीक है, तो एक सवाल दिया गया आपका x² + 4x = 0 को पूर्ण वर्ग बना करके हल करना है। क्या करना है? पूर्ण वर्ग बना करके हल करना है।
हल करो, क्या दे दिया, एक्स स्क्वायर प्लस चार एक्स बराबर जीरो। सुनवा ये सवाल है, पूर्ण वर्ग बना कर हल करना है, एकदम निश्चित है कि ऐसा आएगा। तो हम सबसे पहले इसको क्या जांच करेंगे मालूम है, कि अस्तित्व है कि नहीं। तो हमें अस्तित्व जांच करने के लिए इतना चीज चाहिए। आप पढ़ करके आ रहे हैं कि जो भी आप तुलना किसे करेंगे इससे, सब लोग समझो बाबू। आपको जब भी मैं कहूँगा कि ए बी सी का मान बताइए तो इसी से तुलना तो करेंगे। तो बताओ यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ ए है ना, तो यहाँ कितना है एक, तो ए बराबर एक लिख लो। अब बी का मान देखो, बी एक्स है तो बी का मान क्या है चार, इसमें तो तीसरा पद है ही नहीं, तो सी का मान क्या हो जाएगा जीरो। अब जांच कर लो तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस चार ए सी से, जहाँ बी अगर तहाँ कहाँ लिखेंगे चार, चार रख दो यार, बी का मान है दो है तो दो लिख लो, माइनस चार लिख लो गुण है, जहाँ ए है तहाँ पर एक है तो एक लिखो गुण है, सी का मान जीरो है तो जीरो लिखो। अरे तो चार के ऊपर दो का मतलब कि डबल चार आप लिखिएगा, चार चौ कितना जाएगा सोलह, अरे तो सब जीरो लेकर चला गया ना, कितना भी बड़ा गुणा उसमें जीरो आ गया तो उसका मान जीरो हो जाता है, जीरो आ गया। अब सोलह आ गया, डी का मान कितना आ गया सोलह, तो इसका मतलब प्लस में आया तो मूलों का अस्तित्व है, तो लिखा जाएगा कि मूलों का अस्तित्व है, यहाँ पर जरूर लिखना मूलों का अस्तित्व है। चलो अस्तित्व है, अब अस्तित्व है तो हम इसको पूर्ण वर्ग बना करके हल करेंगे। अगर यहाँ पर आ जाता माइनस में आ जाता तो हम लिखते हैं कि मूलों का अस्तित्व नहीं है। अच्छा मूलों का अस्तित्व नहीं है तो इसको हम हल नहीं करेंगे, ठीक है, दिखाई दे रहा है वहाँ से, धन्यवाद। इधर चल चलिए, हाँ चलो घसको, अरे वहाँ चले जाओ, वहाँ से दिखाई देगा स्पष्ट साफ, चलो इधर आ जाए। तो समझे न, अगर प्लस में आ जाएगा तो आप क्या कहेंगे मूलों का अस्तित्व है, आप प्लस में नहीं आएगा तो कहेंगे मूलों का अस्तित्व, लेकिन मूलों का अगर अस्तित्व होगा तो हम उसको हल करेंगे। हल करें आप, सुनो हल करने के लिए जैसे सवाल है ना, इसको हल करने के लिए जब मूलों का अस्तित्व है तो आप ये फार्मूला आप यूज करेंगे, समझ रहे हैं। बताओ मुझे पहला पद क्या है, एक्स स्क्वायर है ना, इधर आ जाओ, पहला पद क्या है एक्स स्क्वायर है, दूसरा पद क्या है चार एक्स है, तीसरा पद तो है ही नहीं। तो पहले आप एक सूत्र का यूज कर लीजिएगा कि का इसमें जोड़ेंगे कि पूर्ण वर्ग बनेगा आपका। तो सूत्र आपके पास है ना, दूसरा पद बटा में दो गुणा करनी में, देखो आई मेन है यहीं पर सब लोग को समझना है, ठीक है, बहुत अच्छा से समझो एकदम आराम से, जहाँ दूसरा पद है तहाँ दूसरा पद चार एक्स है तो चार एक्स लिख लो, बटा में दो गुणा करनी में पहला पद, पहला पद कहाँ है एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख लो, इसका होल स्क्वायर। सुनो भाई चार एक्स ऐसे ही लिखो, निकल गया बाहर भाई, दो निकल गया हाई एक्स निकल गया, इसके ऊपर क्या हो गया दो, तो एक्स एक्स कैंसिल, तो चार है तो चार दो से चार को काट दो दो बार में, तो दो के ऊपर कितना आ गया दो हो गया, दो के ऊपर दो तो कितना आ जाएगा चार आ गया, कितना आ गया चार। तो इसका मतलब चार छोड़ दो खाली, दो के ऊपर दो इसमें जोड़ देना घटा देना आ जाओ यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर प्लस चार एक्स दिया है ना, एक्स स्क्वायर प्लस क्या दे दिया चार एक्स, इसमें दो का स्क्वायर आप जोड़ेंगे, किसका स्क्वायर दो का स्क्वायर जोड़ेंगे और दो का स्क्वायर घटा देंगे बराबर कहाँ आ जाएगा जीरो, समझ लो। तो एक्स स्क्वायर प्लस चार एक्स प्लस दो का स्क्वायर इसमें जोड़ेंगे और दो का स्क्वायर घटा देंगे, तो अब इसमें तीसरा पद है नहीं, तो देखो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होगा, अभी आपको याद होगा मैंने बताया बेटा, यहाँ पर लिख देते हैं कि ए स्क्वायर प्लस टू बी प्लस बी स्क्वायर, इसके ऊपर क्या लिखते हैं बाबू, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं, केवल ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं, माना है छोड़ देते हैं केवल एक ए लिख लेते हैं और एक क्या लिख लेते हैं, तो सेम वही बात यहाँ पर भी होगी, एक एक्स लिख लेंगे और एक दो लिख लेंगे, इसका होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। इसको इधर कर दीजिए, हालांकि पहले दो का वर्ग करोगे माइनस चार बराबर जीरो, समझ आया, अरे देखो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर उसी पर है ना, जैसे ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर है, जैसे आपका कहने का मतलब है कि जब यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस टू बी प्लस बी है तो खाली ए लिख दो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको तोड़ेगा तो फिर इतना नहीं जाएगा, तो खाली यहाँ से ए उठा कर दिया गया, यहाँ से बी और स्क्वायर तो स्क्वायर, और सेम इसी पर यह है, यही ना हमेशा आएगा सवाल में, जितने सवाल इसमें पूर्ण वर्ग बनाकर लगाएंगे तो ऐसे ही आएगा। तो ये एक्स वाला उठा के यहाँ पर रख दो, ये दो वाला ये रख दो, स्क्वायर कर दो, फिर इसको तोड़ेगा तो इतना आ जाएगा,
माइनस ऐसे ही लिखो, अधू के बधू का मतलब क्या हो गया, अच्छा दू के बधू का मतलब। देखो हम बताते हैं आपको, अभी पत्थर वाला कहानी सुना रहे थे ना आपको, तो पत्थर क्यों चमक गया, लगातार वो क्या कर रहा था, नदी के धारा का स्नान कर रहा था, वही लगातार आप सवाल लगाएंगे तभी चमक जाएंगे, सब प्रैक्टिस हो जाएगा आपका, एकदम मुलायम हो जाएंगे सवाल के प्रति, हम तो पहला पे रहे ना। अच्छा सुनो, हाई एक्स प्लस दो का होल स्क्वायर वैसे ही लिखो, हमेशा जो अंक बचता है ना बराबर के बात कर, तो फार्मूला आपने अभी जस्ट भी लिखा गया था कि जब हम उसमें जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद उसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर लिखते हैं, लिखा गया था ना, तो देखो उसी पर तो लिखा गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर यहाँ माइनस होता तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर करते। अब सुनो, अब क्या होगा आपका कि यहाँ स्क्वायर हटाएंगे कलनी में जाएगा, एक्स प्लस दो का स्क्वायर हटाएंगे कहाँ चला गया, ये कलनी में चार चला गया, जाएगा ही स्क्वायर जब हटाएंगे तो कलनी के अंदर ही चला जाए, ठीक है। अच्छा आप सुनो, एक्स प्लस दो बराबर चार के कहाँ निकलेगा, दो, चार होता है तो दो निकलता है, नौ होता है तो तीन निकलता है, सोलह होता है तो चार निकलता है ना, पच्चीस होता है तो पाँच निकलता है, छत्तीस होता है तो छः निकलता है, तो आपके पास तो चार है, तो चार का मतलब होता है प्लस माइनस दो निकलेगा, कलनी से बाहर निकलेगा प्लस माइनस के साथ निकलता है, इसके साथ। आप सुनो, आप जानते हो क्या करना है, जब प्लस माइनस के साथ निकल गया ना तो एक बार आप धन चीन लीजिएगा, एक बार ऋण चीन, तो देखो लेकिन हाँ धन चीन लेने पर, धन चीन लेने पर तो सुन लो, हे में कोनो परिवर्तन ना, जब धन चीन लेंगे तभी ऐसे ही लिखेंगे, ऋण चीन लेंगे तभी ऐसे ही, खाली इसमें परिवर्तन होगा, तो धन चीन लेंगे तो एक्स प्लस दो ऐसे ही लिखना है, ये प्लस का आ जाएगा, दो प्लस के साथ लेना है, प्लस नहीं लिखेंगे तभी से चलेगा, तो एक्स बराबर का हो जाएगा, पहले तो प्लस दो है, इसको इधर देखो एक्स को अकेले रखना है, हमें तो एक्स का ही मान निकालना है, तो अब इसको इधर करेंगे तो माइनस दो हो जाएगा प्लस के साथ है, तो माइनस दो से तो प्लस दो कैंसिल, अरे दो में दो घटाओगे तो जीरो ही होगा, तो एक तो जीरो आ गया आंसर आपका। अब लेकिन ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेने पर तो बताओ मुझे, ऋण चिन्ह लेंगे तो क्या होगा, एक्स प्लस दो बराबर ए माइनस दो लिखेंगे, तो एक्स बराबर देखो देखो मैंने कहा ना इसमें कोई परिवर्तन होगा नहीं, यही परिवर्तन होने वाला है, जब आप धन चीन लेंगे तो धन लगा देंगे, जब आप ऋण चीन लेंगे तो ऋण लगा देंगे, सिंपल सी बात आपकी, इसमें कोई चेंजिंग होगा नहीं, तो ये माइनस दो रहेगा आपके पास, इधर करेंगे तो माइनस दो, तो एक्स बराबर माइनस दो माइनस चार लेकिन आ गया, कोई दिक्कत हुआ। अच्छा लेकिन 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 उत्तर का जांच जरूर कर लीजिए, किसका जांच, उत्तर का जांच। हमारे पास सवाल का है, एक्स स्क्वायर प्लस चार एक्स बराबर जीरो है ना, है ना, और हमारे पास दो आंसर आया, कितना आया, जीरो एक बार माइनस चार, तो इसमें रखने के बाद जैसे बराबर के बाद जीरो है ना, तो इधर भी जीरो आना चाहिए, तभी आपका उत्तर सही था, रख दो एक बार जीरो, एक बार जीरो आया ना, ये देखो जीरो आया है, तो जीरो रखो, जीरो का स्क्वायर प्लस चार गुणा जीरो, तो जीरो प्लस जीरो बराबर जीरो, अरे जो है जीरो बराबर जीरो, तो सही है उत्तर, माइनस चार भी रख के देख लो यहाँ पर, तो माइनस चार के ऊपर दो आई प्लस है चार गुणे माइनस चार, यार माइनस चार का वर्ग करोगे प्लस के साथ होता है, कितना आ जाएगा चार का वर्ग सोलह, और ये भी कहा जाएगा माइनस सोलह कट गया, कितना आ गया जीरो, तो उत्तर सही है। अब एक बार फिर आपको बताते हैं, सवाल का होगा इस तरीके से दिया रहेगा, पहले हम तुलना करके ए बी सी का मान निकालेंगे, ठीक है, मूलों का अस्तित्व जाँच करने के लिए, तो क्या करेंगे हम ए बी सी का मान निकालेंगे, तो हमारे पास ए का मान तो यहाँ से एक आ गया, बी का मान चार आ गया, तीसरा पद है नहीं तो सी का मान जीरो हो गया, बात समझना, लिखने वाला काम ना पहले समझो, निकाल लेंगे उसके बाद से डी बराबर हमेशा इसी का यूज करना है, बी स्क्वायर मान चार एकदम फिक्स है, इसमें रख दीजिए जो मान है, बी का मान चार है तो चार चार के पद हो माने चार गुणे ए का मान एक और सी का मान जीरो तो जीरो, तो चार जी को सोलह गुणा कर दे जीरो, तो सोलह में से जीरो गया सोलह, प्लस में आ गया तो मूलों का अस्तित्व है, जब प्लस में आ गया तो मूलों का अस्तित्व है, जब मूलों का अस्तित्व है तो उसको हल करेंगे, लेकिन अब देखिए इसमें हल करने के लिए आपको कुछ ना जोड़ना पड़ेगा, जो चीज़ जोड़ेंगे वही घटाएंगे भी, सेम से सेम एक क्रिया है, और इसके लिए एक सूत्र होता है दूसरा पद बटा में दो गुणे करने में पहला पद, हमेशा फिक्स है इसका यूज करना ही आपको, आप दूसरा पद देखिए यहाँ पर चार एक्स है, चार एक्स लेके दो गुणे कलनी में पहला पद लिखे, अरे चार एक्स वैसे ही दो ऐसे ही, कलनी के अंदर जो भी स्क्वायर होता है तो एक निकल जाता है, एक्स निकल गया, जब एक्स निकल गया तो एक्स एक्स कैंसिल, और दो से चार भी कैंसिल दो, तो दो का स्क्वायर आ गया, इसी को जो दो का स्क्वायर आया है ना इसी को इसमें जोड़ेंगे, और इसमें क्या किया है देखो, जोड़ा भी गया घटाया भी गया, और यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, आइए दो का वर्ग तो चार होता है बराबर जीरो, तो एक्स प्लस दो का स्क्वायर बराबर चार, एक्स प्लस दो स्क्वायर हटाओगे तो कलनी में चार,
एक्स प्लस दो चार है तो प्लस माने दो निकल जाएगा। एक बार का लेंगे धन चीन लेने पर, हाई तो जगह है वैसे ही लिख देंगे, हाँ इसको प्लस दो लिख लीजिएगा, हाँ एक सौ सही प्लस दो ऐसे इधर जाएगा तो माइनस दो, दो से दो कैंसिल जीरो। एक बार ऋण चीन लेने पर तो एक्स प्लस दो यहाँ से माइनस दो ले लीजिएगा तो एक्स प्लस माइनस दो तो माइनस चार हो जाएगा। सिंपल सी बात आती है, उतर के जाँच भी कर सकते हैं। बात समझ रहे, लिखो मत नहीं समझो, अभी लिखोगे तो पूरा टाइम बर्बाद होगा, अंतिम में लिख लेना है ठीक है, मिटाए इसको समय बर्बाद होगा, इतना ज़्यादा आपको हम सोच रहे हैं कि इतना सीखे। माना हर एक सवाल में ही प्रक्रिया है, पहले आप मूलों का जांच करेंगे ए बी सी निकाल कर, तब ऐसे सूत्र लगाएंगे दूसरा पद बट्टा में दो गुणा कर्णी में पहला पद, जितना है उसको जोड़ेंगे घटाएंगे, उसके बाद से निश्चित रूप से जब इतना आएगा तो एक फार्मूला जरूर बनेगा, अगर यहाँ पर माइनस होगा तो माइनस प्लस होगा तो प्लस, सिंपल बात आप देखिए। बस समझ में आई, चलो एक और उदाहरण देखते हैं, हम लोग मिटा रहे हैं इसको, आप लोग खाली देखिए ना सीखिए ठीक है। अंत में एक लिख लीजिएगा, चलिए नहीं नहीं एकदम आपको लिखने का मौका दिया जाएगा, आइए ना आप पढ़िए ना सीखिए। उदाहरण तो आ गया, देखो ठीक लगाए गए थे नीचे, देखो ना किताब में लगाए थे ना आप लोग, क्या है बताओ एक्स स्क्वायर, सुनो एक्स स्क्वायर प्लस चार एक्स माइनस पाँच बराबर। अच्छा बताओ, मान लो ए बाबू सिर ऊपर करो सब लोग, अभिषेक ये सवाल दिया गया है, मान लो कि अगर आपसे कोई कहे कि मान लो आपके सवाल आ गया पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने के लिए कह रहा है, आप पूर्ण वर्ग बनाकर आपको हल नहीं हुआ, तब सिंपली तुर के भी हल कर सकते हैं इसको, पाँच और एक में, पाँच में से करेंगे तो पाँच में से जाएगा तो चार हो जाएगा ना, अच्छा पाँच में एक से गुणा करेंगे तो पाँच आ जाएगा, लेकिन मान लो तुर के तो हम लोग सीख ही ले हैं कि पाँच एक में तुर का हल कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा पूर्ण वर्ग बना करके हल करेंगे, तो पहला हमारा काम क्या होगा, ए बी सी का मान निकाल कर अस्तित्व की जांच करेंगे ना, एकदम जांच करेंगे। देखो हम बताते हैं, उस सवाल कबो ना टूटी, अगर टूट के हल होगा जिसका मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। कभी आपको सवाल कोई कहे कि इसको हल करके दिखाओ, तो पहले आप एकदम याद रखिएगा उसको जांच जरूर कर लीजिएगा, हाँ डी बराबर बी स्क्वायर माइनस चार ए सी से, अगर इसका मान प्लस में आएगा तो एकदम निश्चित है कि टूटेगा, अब माइनस में आ जाएगा तो कबो नहीं टूटेगा, ध्यान रखना माइनस में आ गया तो वो कभी नहीं टूटेगा, उसका अस्तित्व नहीं हल हो नहीं हो पाएगा, वो सवाल गलत है, तो गलत है सवाल कि सही है इसको जाँच करने के लिए ही विधि है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस चार ए सी का प्रयोग करें, गलत होगा तो माइनस में आ जाएगा वो कभी नहीं टूटेगा, अपूर्ण वर्ग बनाकर भी हल नहीं कर पाएंगे, अब प्लस में आ जाता है तो मूलों का अस्तित्व है। बात समझ रहे हैं, तो चलो चलो बताओ ए का मान कितना है, सब लोग ध्यान ध्यान बताओ, एक अभी का मान अस्सी का मान, आपको एक बार फिर बता देते हैं जो बच्चा को दिक्कत हो रहा है, देखो इससे मान लेना और एक्स स्क्वायर के साथ जुड़ा होगा ए, तो ए यहाँ पर एक्स स्क्वायर के जुड़ा होगा वह ए का मान आ जाएगा, यहाँ पर एक्स के साथ जुड़ा है बी और यहाँ पर जो एक्स के साथ जुड़ा होगा बी का मान, जो अकेले है तो सी आपका होगा, और जो चीन होगा उस चीन के साथ उतारेंगे, माइनस होगा तो माइनस साथ प्लस होगा तो, अब चलो डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस बी का मान कितना है चार, तो चार के स्क्वायर माइनस चार गुण है ए का मान कितना है एक गुण है सी का मान माइनस, आराम आराम से बस जो मान लिया गया उसको रख दी, चलो अरे चार का वर्ग कितना आ जाएगा सोलह, इधर देखो तुमको सिर नहीं चमत करो, यहाँ ब्लैकबोर्ड पर देखो ना सब लोग, चार का वर्ग कितना आ गया सोलह, और माइनस से माइनस का आ गया प्लस, चार पाँच बीस, ये कितना आ गया छत्तीस, तो प्लस में आया ना, तो कहा कहेंगे आप मूलों का अस्तित्व आया, बस स्टेप देखते रहिए क्या काम कर रहा हूँ, जब मूलों का अस्तित्व है तो आप इसको हल करेंगे ना, तो हल करने के लिए फिर वही सूत्र यूज करेंगे, आपके सामने लिखा गया है दूसरा पद बटा में दो गुणा करनी में, दूसरा पद इसमें कहा है बाबू चार एक्स बटा में दो गुणा करनी में पहला पद, फिर एक्स निकल जाएगा एक्स स्क्वायर होगा, फिर एक्स का हो गया बाबू बाहर निकल गया। अच्छा यहाँ पर किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, पूछे अरे तुमको कौन दिखा देंगे नहीं जा, अरे दूसरा पद में से देखो भर लो, ये देखो एक्स स्क्वायर वाला पहला पद, एक्स वाला दूसरा पद, बिना एक्स वाला तीसरा, यहाँ पर आप लोग इस समय तो कह रहे दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको नहीं लग रहा कि हमको सब लोग तुम्हारे कहीं ना कहीं दिक्कत है, धनंजय लग जाएगा रमन है मेन सूत्र बाबू, यही से पता चले काम लेके छोड़ा के बाद क्या कर रहे हैं, बात समझ रहे हैं।
चलो काटा कटा हुआ, एक से एक से गया, दो से चार गया दो बार में, तो काली का बचा दो, तो दो का पद, इसी को जोड़ेंगे इसी का करेंगे हटाएंगे, तब लिख लो, पुनः लिख लेना। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस चार एक्स माइनस पाँच, और दो का स्क्वायर घटाओगे जोड़ोगे दो का स्क्वायर घटा देना बराबर जीरो लिख लेना, बराबर का लिख लेना है जीरो लिख लेना। इतना समझ में आया आपको? अब क्या करना चाहिए सोचो, ये जो तीसरा पद है इसको हटा दो, पंखा बंद कर देते हैं आवाज़ कम, बताओ याद करो, हम आपको बताए थे कि तीसरा पद को हमेशा हटा देना है, हमने सूत्र में लिखा भी था, आ उसके जगह पर प्लस वाला आ जाए, आ जाएगा ना। सुनो, एक्स स्क्वायर प्लस चार एक्स आई प्लस दो का स्क्वायर ला दिए यहाँ पर, चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं, जौन चिन्ह में तो चिन्ह के साथ उतरे, चिन्ह में कोई बदलाव होगा, जब बराबर की इधर करेंगे उधर बराबर के तरफ कहीं भी किधर करेंगे चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आई माइनस पाँच है तो ऐसे ही लिखो है कि तुर दो तो कितना आ जाएगा चार बराबर चिन्ह होगी। अब देखो ये फिर वही बात है, किस पर एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर कहाँ से मैंने आगे माइनस होता हैंगा माइनस रहता हूँ ना प्लस चार होगी, जब आगे माइनस रहता हूँ जेंगा बा वहीं लिखा है हैंगा रहता तब आप प्लस चार ठीक है है समझे क्या यहाँ यहाँ। अरे आपको बताएंगे तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर इतना है, ये मेन है देख लेना, यही मेन है, तीन को पद बात दो होल स्क्वायर एकदम निश्चित है कि आ जाएगा यहाँ पर, अब पाँच चार माइनस नौ बराबर जीरो इधर आ जाओ, तो क्या हो गया अब आपके पास एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, अब इधर माइनस नौ है तो इधर करोगे तो बराबर नौ एक्स प्लस टू हाई स्क्वायर हटाओगे तो कलनी में एकदम निश्चित भाई स्क्वायर है तो कलनी में आई एक्स प्लस टू बराबर प्लस माइनस तीन, नौ का तीन होता है ना। अच्छा यहाँ पर जो भी चीज़ आएगा एकदम जाने का अधिकतर माने निकल जाता है, एक दो परसेंट सवाल में नहीं निकलता। अब धन चिन्ह लेने पर स्टेप आपके याद हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, धन चिन्ह लेने पर तो एक्स प्लस टू बराबर कितना आ गया तीन, तो एक्स हो जाएगा तीन माइनस दो, तो एक्स वाला तीन में दो जाएगा एक, तीन तो पहले है ना प्लस वाला है तो माइनस हो जाएगा, तीन में दो जाएगा कितना आ जाएगा एक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेने पर तो सुनो आराम से, हाई एक्स प्लस दो ऐसे ही लिख लो बराबर क्या लिख लो माइनस तीन, तो एक्स बराबर माइनस तीन माइनस दो, तो एक्स बराबर माइनस पाँच हो गया, आंसर आ चुका है एक माइनस पाँच और एक क्या हो गया एक, बस उतर ही जाए तो क्या हुआ है पुनः अजय नवाज सवाल ही उतरा गया ये वाला, और ये दो का स्क्वायर जो यहाँ पर लाया उसको जोड़ दिया गया हटा दिया गया, आई पाँच वाला का हटा देवे मैंने किनारे कर दो आ एक जगह पर ही आ गई आई सूत्र पर हो गया इतना आई जोड़ था दोनों माइनस होता नौ बराबर छः ओके सूत्र पर मान लीजिए कि आपका सूत्र क्या होना चाहिए, सूत्र ऐसे होना चाहिए माने है जब बी स्क्वायर होना ही चाहिए कहाँ भाई जब बी स्क्वायर वाह है स्क्वायर वाह वही से करेगा बैठावे खातर निकले का होता है कि जब इतना बैठ जाएगा तो इसके जगह पर ए प्लस बी का होगा समझे ना स्टेप का हुआ, पहले तो एबीसी निकाल लेंगे उसके बाद से पूर्ण पद बनाने के लिए जोड़ घटा कर काम कर देंगे इसको कोई दिक्कत आप तन तन समझ में आ रहा होगा आप और ही लगा दे तो ही समझ में आए चलिए ये तो नहीं हमारा सवाल माने आप लोग के लिए अजीब लग रहा था घोर के पिया देनी चलिए एक और उदाहरण आपको ठीक लगाया गया था का सीख लो उतना दूर से आते हो तुम लोग कोई पूछे है या नहीं तीन एक्स स्क्वायर माइनस पाँच एक दो है का है विशाल यहाँ देखो यार चलो तीन एक्स स्क्वायर माइनस पाँच एक्स प्लस दो बराबर का है जीरो हाई देखिए अब तो गड़बड़ हो गया आपके लिए क्या गड़बड़ हो गया सुनो बाबू कि देखिए एक्स स्क्वायर के साथ तीन आ गया और रूल में क्या लिखे हैं कि एक्स स्क्वायर को हमेशा अकेले होना चाहिए क्या होना चाहिए एकदम निश्चित है। अच्छा क्यों हम लोग अकेले रखते हैं इसका कारण क्या है थोड़ा बता देते हैं, अगर पहला पद जैसे लिखते हैं अगर दूसरा पद तो मान लीजिए पाँच एक्स लिख देते और दो गुण है पहला पद जब आप लिखेंगे तो जाकर निकलेगा ही नहीं थी हाँ चार एक्स होता तो निकल ही जाता चार का दो निकल नहीं निकलेगा इसीलिए हम अकेले करते हैं जब अकेले एक्स स्क्वायर रहेगा तो आराम से निकल जाएगा तो क्या करेंगे जो भी अंक एक्स स्क्वायर के साथ होगा उससे भाग देंगे ना तो आप लिखेंगे दोनों पक्षों में किससे भाग देने पर भाई तीन से भाग देने पर तभी ना हटेगा तीन पाँच होता तो पाँच से भाग देते दस होता तो दस से देते
ए विकास बोला गुरु बाबा देखो यहाँ तो हम थका ना बताओ तुम लोग थका थका के पढ़ा रहे हैं ये हाल है। खुद तुम लोग को पढ़ना चाहिए था, टीचर हो करके मैं थका रहा हूँ बाबू बोले गुरु पर देखो ये बाबू। अब सोचो ये कितनी मैंने पढ़ाई में तुम लोग को मन लग रहा है। चलिए 3x² है मानिए 300 भाग दे दीजिए, 5x है इसमें भी 300 भाग दे दीजिए, 2 है इसमें भी 300 भाग दे दीजिए, 0 इसमें भी 300 भाग दे दीजिए। कारण बताइए क्यों 300 भाग दिया, कारण बता रहा है 300 क्यों भाग दिया बकलोल का इनका, क्योंकि x² के साथ क्या तीन है उसको हटाने के लिए। समझ में इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा था क्या अभी? अरे यार 5 होता तो इसको अकेले अकेले पूरा रूल में देखो, इसीलिए मैं कोई भी चैप्टर पढ़ाता हूँ तो पहला पूरा नियम लिखा देता हूँ, पूरा नियम कि आपको ऐसा कहाँ कहाँ से आ रहा है। इसीलिए मैंने आपको लिखा था कि जब x² के साथ कोई अंक जुड़ा तो उस अंक से दोनों पक्षों में भाग देते हैं, दिखाया गया था ना, क्योंकि x² को क्या करना होता अकेला करना। चलो सुनो ये 3 से 3 कट गया, अब नहीं कटेगा नहीं कटेगा छोड़ दो, का लिखोगे x² - 5x/3 प्लस 2/3 है तो मान लो ऊपर 0/0। अब किसका जांच करना है, मूलों का अस्तित्व का, तो पहले जांच करो बताओ एक अमान कितना, एक अमान एक अभी कमान हाँ है पूरा लिखना, नीचे वाला भी लिखना -5/80 = 2/3। समझ में आया इतना? अच्छा देखो कोई भी सवाल में अगर आपको दिखाई दे दे, एक बार फिर कह देते हैं कि अगर आपको x² के साथ कोनो अंक दिया 3 दिखा रहा है तो 3 से सब में क्या कर देंगे, ये तो पहला पद तो कट जाएगा बाकी सब वैसे ही आपको लिख देना। ए का मान 1, बी का मान -5/3, और सी का मान 2/3। आते सीख के जाओ एकदम आराम से, ये सवाल आप सीख करके जाना हनुमान जी का दिन है, ठीक है आइए। अब आपको d = का लिखना है, b² - 4ac। अच्छा हाँ बी ये रखो -5/3 इसके ऊपर दो रखेगा नहीं, आ 4 × जहाँ ए तहाँ कितना 1, जहाँ सी है तहाँ पर 2/3, तो अब क्या हो जाएगा इसको 25/9 कर लेंगे। अरे भाई 5 का वर्ग 25 प्लस के साथ होगा, माइनस में जो भी होगा वर्ग प्लस में, अब तो कुछ कटेगा नहीं, 4 × 12 = 3। चलो लसा ले लो, देखो पूरा ऊपर 8 होगा ना, 12 नहीं, 4 × 8 नहीं होगा 8, ऊपर से गुणा ऊपर कर लेते हैं, 4 × 1 × 2 है ना, तो 4 × 1 में करेंगे 4, फिर 4 × 2 में करेंगे 8/3, 9 × 3 का लसा कितना आ गया 9। सुनो है 25 से रहेगा क्योंकि 9 से भाग 9 में देंगे तो एक बार में, है 3 से भाग 9 में देंगे तो 3 बार में, 3 अभी बचेगा शेष, तो 8 × 3 का कितना आ गया 24, घटा देंगे तो 1/9, जब प्लस में आ गया भाई तो मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। सिंपल सा क्वेश्चन था, बोलो इतना समझ में आया। अब आपके पास फार्मूला क्या लगाना है बाबू, अब सूत्र लगाना है बहुत कायदे से। देखो जहाँ दूसरा पद बनो, यहाँ देखो अब जो हल करके बनाए हैं समीकरण, ये वाला मेन है, यहाँ पे एक बना लीजिएगा कि सस्पेंशन में नहीं पड़ेंगे, तो ये दूसरा पद यहाँ पर होगा 5x/3। अच्छा कोई कोई दिक्कत नहीं है, 3 होंगे लिखना, ठीक है, अगर बस 2 लिखा था ना तो 2 लिखना, ये 3 आ गया ना, 2 के साथ आ गया, अकली में तो पहला पद, तो पहला पद तो आपके पास क्या है, एक माने जिसको x² है ना, तो x² लिख लो, ठीक है, x² होगा तो x निकल जाएगा, अकली के अंदर रखते तो, आ 2 है तो 2 हाई मत छोड़ देना, बहुत बच्चा ही छोड़ देते स्क्वायर ना, नहीं क्या छोड़ेंगे x तो कहाँ आ गया 5/ आई 3 × 6 आई इसको जोड़ेंगे रिसीव क्या कर देंगे, बोले कहानी खत्म आपकी, यही तो मेन है। चलो तो सवाल उतार लो, कौन उतारना है ये वाला जो मेन समीकरण है, ये वाला x² - 5x/3 प्लस 2/3 इसको जोड़ देना है माइनस, पहले प्लस कर लो 5 × 6 इसमें जोड़ दो और 5/6 को घटा दो बराबर 0। माइनस वाला ना क्या माइनस वाला कर दो क्या कहते हैं, अब हमेशा होता है a² - 2 कबो b² - वही का कबो ना हो प्लस से b² तो क्या कहते लगा एक बार कहते खोर के पिया दल लगा हलिया के आ जाएंगे 2/3 आए का बल करबो तो 25/36 और 5 के 25 6 के 36 5 के 25 6 के 36 आई सूत्र हो गया किसका जानते हो,
हाँ एक से लिख लो। अच्छा भैया माइनस हुआ तो मान एक एक चिन्ह हो जाए देख के उतार तो वही पाँच बोला समझे हो देख रहे ना। अरे यार ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर हाँ लसा ले लो 36 बारह दिन 24 ए यार तीन है यार तीन ऊपर 24 ना होगी तो पहले भागवा दे देता मैंने ऊपर 24 है बारह दिन चौबीस पे वही से करें हाँ बराबर जीरो भाई हाँ अब भाई 25 में 24 आई तो माइनस एक बटा 36 बराबर जीरो एक्स माइनस पाँच बटा छ का वर्ग भाई हने लेके जाओ तो बराबर एक बटा 36 एक्स माइनस पाँच बटा छ कलनी में एक बटा 36 एक्स माइनस पाँच बटा छ बराबर प्लस माइनस एक ताओ का बपौती है वो तो एक हमेशा निकल जाता है कहता है कि मैं नहीं रहूँगा खड़ा है ना शंकर ये खड़ा है भाई छ तो 36 छः निकल जाएगा। अब लिखेंगे धन चिन्ह लेने पर हाँ एक नंबर में हमेशा निकल जाता तो एक से माइनस पाँच बटा छ बराबर प्लस एक बटा छः प्लस लिखो चाहे मत लिखो तो एक से बराबर एक बटा छः है ना लिखा हो जाओ प्लस पाँच बटा छः लसा लिया जाओ हर दोनों बराबर बाबू छः तो पूरा एक प्लस पाँच और पाँच कितना हो गया छः बटा छः छः से छः करके लेकर ठीक है यहाँ पर आ जाओ ऋण चिन्ह लेने पर कौन चीज लेने पर ऋण चिन्ह लेने पर तो क्या होगा ऋण चिन्ह लेंगे तो देखो यही ना होगा क्या होगा एक से माइनस पाँच बटा छ बराबर माइनस एक बटा छ तो एक बराबर हो जाएगा माइनस एक बटा छ प्लस पाँच बटा छ तो एक बराबर कितना हो गया छ माइनस एक हो पाँच वैसे ही तो एक बराबर कितना हो गया पाँच बटा चार बटा छ घट जाएगा तो दो बार में तीन बार में तो दो बटा समझ में आया देख रहे ना यही सवाल है आपका थोड़ा सा मैंने अच्छा बाटा में जरूर आ जाएगा कब जानते हो बाटा में जब यहाँ पर देगा ना भाग तो देंगे तो बाटा में नीचे तो देगा तो यही सवाल है सर जी वहाँ पर चार रहेगा तो यहाँ चार तो नहीं भागेंगे चार से भाग नहीं देंगे नहीं दे सकते हैं चार निकल नहीं जाएगा हाँ तो उसे क्या होगा आप दे सकते हो मैंने अब नियम लिखा दिया दोनों नियम है कि तू देना मतलब भाग देना ही हो गया चलिए अब अगला एग्जांपल देख लो सीखे रहे कि नहीं सीखे समझ में आया है ए तुम लोग को शाहिद बाबू कुछ हाँ एक मिनट यार वो बात कर रहे थे तुम लोग कहाँ बोला बोलो कौन भाग दिए ये वाला ये तीन से तीन कट गया केवल एक बच्चा इसको लिख दो और ये तो पहले ही से कटेगा ही नहीं छोड़ दो इसे इसको भी नहीं कटेगा आई भाग दोगे ऊपर जीरो तो जीरो इसको लिख लो आ अब तो मालिक मालिक को पहले मुलुक का अस्तित्व की जांच करना है तो ए का मान क्या हो गया एक अभी का मान माइनस पाँच बटा तीन और जो बच गया उसी का हो गया हाई हमने के पढ़ला बन जाए मुलुक का बी स्क्वायर माइनस चार इसी से तो जहाँ बी बा ये वाला हिस्सा जो देख रहे रख दो स्क्वायर कर दो जगह बा चार वैसे ही रख दो ए का मान एक है तो एक रख दो अस्सी का मान दो बटा तीन है तो दो बटा तीन रख दो अब इसका वर्ग जब करोगे तो 25/9 हो जाएगा डबल लिखना है स्क्वायर का मतलब ऊपर सब भाई ऊपर तीनों में गुणा कर दो तो 4 × 8/3 लौसा लेकर के हल करना है 1/9 हो जाएगा उसके बाद अब ये वाला यूज करोगे कहाँ जोड़ना है क्या घटाना है तो दूसरा पद बटा में 2 × 9 में तो 5/6 आ जाएगा तो इसी को जोड़ करके हल कर दिया मूल वर्ग तभी ये सूत्र लगाएंगे हाँ हाँ एकदम अगर मतलब सिर्फ मूल का अस्तित्व पूछेगा तो वाला लगाएंगे हाँ तो केवल इतना लगा के छोड़ दीजिएगा 20² - 4 इसी इतना आ गया ना चलिए देख मूल का अस्तित्व माइनस बी प्लस माइनस करने में बी स्क्वायर माइनस वो दीर्घाती सूत्र है ना जब दीर्घाती सूत्र से कहेगा हल करने का तब यूज करेंगे अरे दिया है तो जब आएगा तो दिया बोलेगा तब पहले हम लोग पूर्ण वर्ग की डिस्कशन करते इसको कंफर्म चलिए ऐसे समझिए कैसे पूर्ण वर्ग बना करके हल करना है। अच्छा एक और सवाल बता देते हैं लास्ट जैसे कहने का मेरा मतलब है कि सवाल में आप इसको लगातार जब प्रैक्टिस करेंगे तो पूरा अंदाजा ही आता जाएगा कुछ लोग तो लगा सकते हैं अच्छा इसमें कितने लोग लगा सकते हैं सवाल इसमें का पूर्ण वर्ग बना करके चलो ठीक है अच्छा चलो ये बहुत अच्छी बात नहीं है आप लोग हाथ ऊपर नहीं हुआ जिसका ये दुख की बात है समझ रहे हो आप जो बच्चे नहीं समझ पाए उनसे उन्हीं के लिए सवाल बता रहे हैं आप लोग पूछिए कहाँ कहाँ दिखते हो अभी सुनो बाबू आप पूछिए ठीक है आइए
एक सवाल आपके पास है, दिया गया है 2x² - 5x + 2 = 0। चलो, अच्छा आप लोग जान चुके हैं सवाल को देख करके कि हमें सबसे पहले क्या करना है, क्या करना है। देखो कितना अच्छा लग रहा, सुनो समझा, इतना दोनों पक्षों में लोग भी समझ गए। चलो तो पहले क्या कहोगे, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर। बहुत 10 वाले बच्चों को मेहनत से पढ़ाती था, मेहनत किसी भी क्लास में नहीं करता, ध्यान दो क्यों, क्योंकि तनी आपको अच्छा नंबर लगे, बोर्ड की बात है इसलिए, समझ रहे हो। चलो तो इसमें 2 से भाग दे दो, माइनस यहाँ 5x / 2 भाई 2/2 = 0/2। इतना सब लोग समझ गए। अच्छा ये 2 से 2 कट गया, ये भी 2 से 2 कट गया, 1 बच गया, तो केवल बच गया x² - 5x² + 1 = 0। समझ इतना, अच्छा चलो अब बताओ ए का मान कितना होगा, ए, बी का मान, सी का मान, इतना तो यहाँ तक तो सबको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत विवेक बाबू, क्या आपको कोई प्रॉब्लम है। चलो अब जांच कर लीजिए कि d = b² - तो जहाँ भी है तहाँ पर -5/2 रखा जाएगा, इसका होल स्क्वायर 4 × जहाँ ए है तहाँ पर 1, जहाँ सी है तहाँ पर 1, इसका तो 25/4 होगा, तो 25/4 लिख लेते हैं हम लोग, माइनस इसका क्या होगा 4। अब यहाँ से लसा ले ले, तो 4 और ये का लसा कितना होगा 4, 25 - 4 = 16। अब 9 25 - 16 घटा दो 9/4, तो प्लस मार गया, तो मूलों का अस्तित्व है, यहाँ तक सब लोग समझ गए। अच्छा सुनो अब क्या होगा, अब आपको जोड़ने की बात होगी ना, तो वह सूत्र वाला का यूज करेंगे इसका। आइए मेन जो आपके पास ये जो प्राप्त हुआ इसको 1 मान लीजिए, क्या मानिएगा, भाग देख करके जो छोटा स्वरूप बनाएंगे, तो देखिए अरे तभी अपने ज्ञान को और बढ़ाइए, जितने पढ़ोगे उतना ही ज्ञान बढ़ेगा, सस्पिशन खत्म हो जाएगा। सुनो तो सूत्र में क्या होगा, दूसरा पद क्या है, पूरा है ना ये, इसको लिखो ना 5x / 2, नीचे 2 है तो 2 लिख लो, जैसे था वैसे हमने उतारा, सुनो बाबू जैसे था हमने ऐसे उतार दिया, दूसरा पद 5x / 2 आ 2 × कलनी में पहला पद, तो पहला पद x² है, लेकिन आप कलनी के अंदर x² लगाएंगे तो x निकल जाएगा ना। आप सोच रहे सर x² क्यों नहीं लिखे, क्योंकि कलनी के अंदर रख करके तब डिब्बा में से निकाल के लिखना, पहले रखना है डिब्बा में तब निकालना, तो x² रखोगे तो x निकलेगा, वही बात, तो 5 × 2 = 4 क्या हो गया 4, तो 5/4 आ गया, इसको आपको जोड़ देना, इसी को क्या कर देना, घटा देंगे, यहाँ तक समझ में आया, प्लीज बताइए समझ में आया, सब सिंपल है यार, समझ आ गया। अच्छा चलो अब इसके आगे कुछ करना नहीं है, जो सवाल दिया है ये वाला जो पहला पद ये बनाए वाला x² - 5x / 2 + 1 + ये जोड़ दो एक बार, 5/2 = 4 है ना, 5/4 = 2 और -5/4 इसका स्क्वायर बराबर 0। अच्छा बहुत बड़े सोच रहे हैं क्या हम लोग 2 का स्क्वायर नहीं लिखे ना, जो आई तो लिखाइए, क्योंकि ऊपर स्क्वायर पहले से, ऊपर स्क्वायर जो पहले से जो आएगा वो लिख देना। चलो हाई हटा दो, तीसरा पद हमेशा हटा देते हैं, तो हमारे पास आ गया x² - 5x / 2 + 5/4 = 1। अगर तुरदा 25 + 5 = 25 हाँ 25/16 = 0। अब भाई सूत्र हो गया यार, यही आपको दिक्कत हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है यार, a - b का होल स्क्वायर पर, तो एक जगह पर x लिख लो, आइए माइनस वही से माइनस लिखा था, हेजा चिन्ह मत देखना, हेजा देखना, क्योंकि a² - 2ab + b² ये तो हमेशा प्लस में रहता है, तो इसके लिए लिखते हैं a - b का होल स्क्वायर, याद करो, और a² + 2ab + b² चिन्ह मेन है ये, समझ रहे हो, जब यहाँ पर प्लस था तो प्लस लगाया हमने, जब यहाँ पर माइनस है तो क्या लगाया, माइनस, यहाँ पर हमेशा प्लस फिक्स है, एकदम निश्चित भाई प्लस लगे, यही जा और यही जा, बस में सर। चलो अब इसको लिख लो, कहा 5/4 इसका होल स्क्वायर, पहला सा ले लें, 16 × 1 = कितना 16, तो 16 × 1 हो गया तो 16, 1 × 25 हो गया तो 25 = 0। अब हमारे पास क्या बचा, x - 5/4 इसका होल स्क्वायर, 25 - 16 जाएगा कितना होगा -9, 9/16 = 0। तो
हो गया एक्स माइनस पांच बटा चार इसका स्क्वायर इधर कर दो नौ बटा सोलह। समझ में आ रहा है सबको? अब वही बात है कि आप स्क्वायर हटाएंगे तो कलनी में चला जाएगा नौ बटा एकदम समझो कि कलनी स्क्वायर हटाओगे तो कलनी के अंदर तो नौ के अंदर तीन निकलता है सूर्य क्या निकलता है चार। तो एक्स माइनस पांच बटा चार प्लस माइनस तीन बटा चार। तो एक बार धन चिन्ह के साथ धन चिन्ह लेने तो हो गया एक्स माइनस पांच बटा चार बराबर तीन बटा चार। तो एक्स बराबर तीन बटा चार है ना आएगा प्लस पांच बटा चार हर बराबर होती है चार तन को घबराने की बात नहीं पहले से था ये प्लस में जाए तो पांच तीन आठ हो जाएगा आठ आ गया और चार से आठ को काट दो। अब एक बार ऋण छीन लेने पर अरे चलो हो गया हिंदुस्तान के शेरे हैं सब। चलो भाई तो ये एक्स है माइनस पांच बटा चार बराबर माइनस के साथ ले जाए तो तीन बटा चार तो एक्स बराबर माइनस तीन बटा चार। सुनो ये माइनस के साथ है तो इधर लेके जाएंगे प्लस होगा तो प्लस पांच बटा दस लगेगा कितना आ गया चार माइनस तीन प्लस पांच तो घटेगा तो दो बटा जब हर बराबर होता है तो ऊपर ले जाते हैं एक बटा तो उतर के आ जाओ जांच कर लो सीमा जाएगा क्या दिक्कत गलत हो रहा है बात समझ रहे हो? तुम लोग गलत लगा सकते हो जब तुम लोग शक होगा तो उसको उतर के जांच कर लेना। अब आपको बताइए प्रश्नावली पहला में चार सवाल शायद दिया गया लगा रहे हैं कल तीसरा हाँ हमेशा हटा देते हैं फिक्स बा हम तो लिखे थे लिखवाए थे रूल में जो रूल में लिखा दे लो फिक्स बा वो जब नियम बा तब लगेगा ठीक है।